तो वहीं स्वतंत्रता दिवस पर सीएम नीतीश ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार बिहार 12 लाख नौकरी और 34 लाख रोजगार देगी। सीएम ने कहा कि हमने 2022 में 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी, जिसमें से 5 लाख 16 हजार नौकरियां सरकार दे चुकी है और 2 लाख की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अब अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले सरकार 10 की जगह 12 लाख नौकरी देगी और इसी तरह हमने 10 लाख रोजगार की बात भी कही थी। 4 साल में 24 लाख रोजगार दिया है, अब और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है, यानी चुनाव से पहले हम 34 लाख रोजगार देने जा रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने पटना के गांधी मैदान में तिरंगा फहराने के बाद ये घोषणा की है। इन्होंने 18वीं बार झंडा फहराकर बिहार में सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड भी बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और लालू परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी पत्नी को ही सीएम बना देते हैं, परिवार से आगे बढ़ते ही नहीं, कभी पत्नी कभी बेटा बेटे के बारे में ही सोचते रह जाते हैं। हमने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसमें महिलाओं को जीविका का नाम दिया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,51,000 हो गई है, इसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000 हो गई है और अब किसी तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन शुरू करा दिया गया है। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार देने के बारे में तय किया गया था। यहां भी एक साल हम कह रहे थे, आप लोगों को बता रहे थे, आप जरा देख लीजिए कितना बड़ा है। कुछ लोग ऐसे ही बोल देता है, हम लोग शुरू से कर रहे हैं, अब बीच में कोई हम लोगों के साथ आ गया तो इधर उधर बोलते रहता है, तो जरा जान लीजिए पूरा। ये जो शुरू किया गया अभी तो 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, लेकिन इसके अतिरिक्त लगभग 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है।